क्लास 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 12 जिसका नाम हीरमस फार्मूला, इसका दूसरा जो है पार्ट का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:15 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना भुजाएं A = 12x, B = 17x और C = 25x है। अतः A, B, C तीनों जो है भुजाओं को जोड़ेंगे तो आएगा 12:17 ये = 540। अब अनुपातों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12x 17x 25x 540। ठीक, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे 12, 17, 25 को तो आएगा 54x बराबर है 540। अब x बराबर हो जाएगा 540/54। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 10 बार जो है इसका भागित होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। अतः भुजाएं a बराबर हो जाएगी 12x क्योंकि इंटू 10 तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ 10 तो यहाँ पे 12 × 10 हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार b की वैल्यू हो जाएगी 17 × 10, 10 जो है वो x की वैल्यू है तो हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। C = 25 × 10 तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब s की वैल्यू याद करेंगे, s = होता है a + b + c / 2 तो a + b + c की वैल्यू है यहाँ पे 540/2। 2 से इसको भागित करेंगे 540/2, ठीक ये 270 सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी। अब हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s(s-a)(s-b)(n-c), सो s की वैल्यू आ जाएगी 270। ठीक, तो 270 s के स्थान पर लिखेंगे यहाँ, 270 माइनस a की वैल्यू है 120, फिर s माइनस b की वैल्यू 170 और s माइनस c 250। ठीक, जो हम यहाँ पे हल कर चुके हैं। ठीक, आगे इसको माइनस करो 270 120 क्या आ गया 150। फिर 270 में 170 को माइनस करो, माइनस है ना घटाना, ठीक है ये जगह 100, फिर 250 कितना आएगा 20। तो ठीक है, अब इसी प्रकार आगे इसको हल करेंगे 270 × 150 × 100 × 120। अब 270 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 270 को गुणनखंड तो बच्चों मालूम है तुमको, तभी एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लो। क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 से आ जाएगा 3 और ये 10। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे यानी भागित होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 3 × 3 30 × 30। ठीक, ये हो गया। अब आगे 150 को भी इसी प्रकार गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 30 × 5। 100 का गुणनखंड कर 10 × 10, 20 का करेंगे तो 4 × 5। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ पे जोड़ी करेंगे 3 × 3, ये हो गया 3 की जोड़ी, फिर 30 दो बार लिख रहा हूँ, इसी प्रकार 5 और 5 दो बार है, 10 दो बार है और 2 और 2 जो है वो 2 बार। 4 को कैसे लिखा है, किस रूप में लिखा, 2×2। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ग की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये 2, अब ये सबके वर्ग बन जाएंगे। कैसे देखिए, 3 का वर्ग × 30 का वर्ग × 5 का वर्ग 10 का वर्ग × 2 का वर्ग। ठीक है, अब वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, करनी के जो है नियम अनुसार क्या होता है, वो संख्या वर्ग और वर्गमूल की कैंसिल होती है और एक संख्या प्राप्त होती है। तो 3 यहाँ शेष बचेगा, यहाँ 3, 30, 5, 10 और 2। अब इन संख्याओं का अंश गुणा करेंगे, चलिए 30 × 3 × 5 × 10 × 2 वेरी सिंपल, 30 × 3 करेंगे आ जाएगा 90 × 10 × 5 करेंगे तो आएगा 50 × 2। अब यहाँ 90 × 5
का गुणा किया तो वेरी सिंपल, जितने भी जीरो है उसको लिखते हैं, तीन जीरो है, नौ इंटू एक क्या होगा नौ, यानी कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर का वर्ग, ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति, प्रत्येक टुकड़े के माप में 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग पर कितना कपड़ा लगा, इसका मतलब है उस जो है रंग रंग के हिसाब से एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो एक एक मतलब एक ही जो भुजाएं हैं आप देख रहे हैं, एक ही भुजा 20 है, बी की जो है भुजा का मान है 50 सेंटीमीटर और सी जो है वो भी 50 सेंटीमीटर है। तो एस की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तीनों संख्या को जोड़ेंगे 20, 50 और 50। ठीक, फिर जोड़ना बताते हैं, 50, 50 और 20 क्या आएगा 120। ठीक, 120 बाय 2, अब 120 बाय 2 को सॉल्व करो, ये जाएगा इसको भागित करेंगे तो कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। सो इसकी वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। अब फिर से हम फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाएंगे और ए बी सी तीनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू ने निकाली थी 60, ए की वैल्यू थी 20, बी 50 और सी की वैल्यू थी भी 50। तीनों वैल्यू को किसमें रखेंगे, इसमें इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। ठीक, तो 60 माइनस 20 एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, 60 में से 20 को घटाया 40, फिर 60 माइनस 50 किया 10, 60 माइनस 50 किया 10। ठीक है, आगे हल करें इसको, 60 को लिखा है 10 गुणा 6, क्या लिखा है ये इसका गुणनखंड है। फिर 40 को लिखा है 10 गुणा 4, क्योंकि गुणा करोगे तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, एंड 10 इंटू 10, 10 को 10 लिखा, 10 को भी 10। ठीक, अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे 10 जो है वो 4 भाग लिखा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ देखो बच्चों, करनी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू और 10। ठीक है, और यहाँ 4 और 6, 4 और 6, तो 4 को भी क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो उसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 10 इंटू 10, 10 का वर्ग इंटू 10 का ये भी वर्ग हो जाएगा। ठीक, 4 यानी 2, 2 का वर्ग इंटू 6 जो है किसी भी वर्ग में नहीं है। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा करने के नियम से 10, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू वर्ग है तो 2 इंटू करनी 6 या वर्गमूल 6। ठीक है, अब जो बाहर की संख्या है उसका वर्गमूल गुणा करेंगे, 10 इंटू 10 होगा 100 और इंटू कितना होगा 200, 200 करनी 6, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 200 करनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल 10 कपड़े, क्वेश्चन में देखिएगा कि 10 कपड़ों में से प्रत्येक जो है उसका निकालना है आपको। ठीक है, एरिया निकालना, इसलिए प्रत्येक रंग के लिए कपड़े का क्षेत्रफल होगा 5, 5 इंटू और जो है हमने निकाला 5 इंटू 200 इंटू 6 होगा। ठीक, तो 200 इंटू 5 इसका भी गुणा करेंगे, देखो यहाँ 5 का करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1000, तो आ जाएगा 1000 करनी 6 सेंटीमीटर जो है कुल टुकड़ों का क्या आएगा एरिया। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट, एक पतंग 3 विभिन्न विभिन्न शेडों के कागजों से बनी है, आकृति में इन्हें फर्स्ट सेकंड और थर्ड से दर्शाया गया। देखिए पहला भाग इसका, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ठीक दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 भुजा का एक संधिबाहु
त्रिभुज है। याद कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया है। अब पतंग के पहले भाग का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ठीक। तो 1/2 लिखेंगे और 32 जो बी का है वो 32 वर्ग है और एच ऊंचाई जो है वो 16 है ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 और ये 32 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा यार 16 × 16 का गुणा करते हैं ठीक है। तो ये आ जाएगा 256 ठीक। तो ये आ गया पहले भाग का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे दूसरे भाग का ठीक। अब दूसरे भाग का क्षेत्रफल इसी प्रकार याद करेंगे, ये आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे भाग में ए 6 सेंटीमीटर, बी 6 80 जो 8 सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे तो ए बी सी प्लस करेंगे 20/2, 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो ये 10 भाग जाएगा ठीक है। 10 सेंटीमीटर एसटी वैल्यू होगी। अब हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करेंगे तो फॉर्मूला है रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एन एस माइनस सी ठीक। एसटी वैल्यू 10 10 माइनस 6 10 माइनस 6 10 माइनस 8 ये वैल्यू होगी तीनों। 10 में से 6 को घटाएंगे 4 आएगा, फिर 4 और 2 ठीक। सॉल्व करते हैं देखो बन जाएगा 10 × 2 का वर्ग 4 × 2 का वर्ग और × 2 ठीक। अब 10 को भी सॉल्व करते हैं, करेंगे 2 × 5 × 2² × 2² × 2 ठीक। अब आगे 2 जो है 2 बार लिखा है तो 2² × 2² × 2² और × 5 सिंगल है ये ठीक। आगे सॉल्व करते हैं इसको, करनी 2² 1 बार 2² और 2² 3 बार हो गया ये × 5 × 1 नहीं है तो 1 घात देंगे। अब यहाँ पे करनी के नियम से आ जाएगा यहाँ पे 5 सिर्फ आएगा और यहाँ आ जाएगा 2 × 2 × 2 तीनों संख्या का गुणा होगा 8 वर्गमूल या करनी ठीक। तो आप करनी 5 सेंटीमीटर, अब करनी 5 की वैल्यू होती है 2.24, 8 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर का ठीक है। आज बच्चों जो हमने आपको 3 सवाल इंपॉर्टेंट वाले सिखाए समझाए उसमें वर्ग करनी गुणा करना घटाना कुछ जो बेसिक चीजें हैं आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इन सवालों को फिर से प्रैक्टिस करके उसको परीक्षा की तैयारी करेंगे।